प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 सितंबर 2022 और 19 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टूडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जी है। पीडीएफ मिलने के बाद में आपको इसकी क्विज भी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। और कल संडे था, आपको पता है संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल चुका है, तो हम परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। हाल में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौतम अंबानी। हाल में भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 17 खिताब जीता है? तो भारत ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीता। हाल में कौन सा शहर दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा? तो वो होगा इंदौर शहर। अच्छी तरह से क्वेश्चन ध्यान रखना। हाल में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वो की है रोजर फेडरर ने, टेनिस खिलाड़ी से संन्यास की घोषणा की। हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अगस्त महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? मैग्रा और सिकंदर रजा, ये दोनों बने हैं। हाल में देश के कौन से दो राज्य कुल औद्योगिक निवेश में से 45% हिस्सा हासिल कर रहे हैं? तो वह है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये दो राज्य हैं। हाल में कौन सी कंपनी भारत का सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड बन गया है? तो ये बन चुका है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाल में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है BVR सुब्रह्मण्यम को नियुक्त किया गया है। ये परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज था। कल संडे के दिन आपको वीकली मिल चुका है। सुबह आपको पता है 6:30 पर मेरी लाइव क्लास आती है, उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, फिर मंथली मिलता है, फिर 3 मंथ का, फिर 6 मंथ का वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत में अपना पहला वन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को, कौन सा है? वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। और विश्व स्तर पर ये रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। तो पहले रूस में और उसके बाद में चीन में, और अब ये भारत में पहला वन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, तेलंगाना राज्य में बनने जा रहा है। और ये विश्व स्तर पर अगर मैं बात करूं तो ये तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो। हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, अब आपको पता है परसों शनिवार को क्या है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उसी जन्मदिन के अवसर पर 15 दिवसीय रक्तदान अभियान की शुरुआत की है। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। रक्तदान अभियान को रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में जाना जाता है जो 1 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा, और जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है तो 1 अक्टूबर 2022 तक ये जारी रहेगा जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। और अभी मोदी जी के जन्मदिन पर इसकी अभियान की शुरुआत की है हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तीसरा क्वेश्चन देखो। हाल में किस शहर के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है? यानी कि यह किस शहर में पड़ता है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ पर पड़ता है?
पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। कितना शानदार क्वेश्चन है ये। जबकि कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो कोलकाता के जो अलीपुर जूलॉजिकल है उसको चौथा स्थान मिला है। और देश भर में करीब 150 चिड़ियाघर हैं। कितने हैं देश भर में? करीब क्या है? 150 चिड़ियाघर हैं। सूची के अनुसार चेन्नई में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और उसके बाद में इसके बाद कर्नाटक के मैसूर में भी श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है, उसने तीसरा स्थान इसने हासिल किया है। तो प्रथम स्थान बस आपको ज़्यादा इसमें याद रखना है भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर है घोषित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में देश से लुप्त हो चुके चीतों को नाबिया से लाकर किस राज्य के कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाएगा? अब आपको पता है देश में लुप्त हो चुके हैं चीतों को, अभी नामीबिया देश से इनको लाया जा रहा है। तो अभी मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के राज्य में क्या है? कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको छोड़ा गया है। भारत में 70 साल बाद फिर से चीतों की वापसी होगी। कितने साल बाद है? 70 साल बाद फिर से चीतों की वापसी होगी। देश से लुप्त हो चुके चीतों को नाबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक कौन सी है? विंडहॉक से 8 चीते भारत आ रहे हैं और इस दौरान मोदी जी भी मौजूद रहेंगे। तो मोदी जी भी इसमें मौजूद रहेंगे। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8 चीते भारत आ रहे हैं और ये ध्यान रखना 70 साल बाद एक बार फिर से इन चीतों की वापसी की जा रही है। अगला देखो, हाल में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद। बेंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने रोमानिया के मामाया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ईएलओ रैंकिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की है। यानी कि 2500 ज़्यादा जो इनकी संख्या पार करेगा वही क्या है ग्रैंड मास्टर बनेगा। प्रणव ने तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म जुलाई में स्विट्जरलैंड में खेले गए बील शतरंज महोत्सव में हासिल किया था। तो ये जो इसने तीसरा वो अंतिम जो ग्रैंड मास्टर है वो जुलाई में स्विट्जरलैंड में खेला गया उसमें इसने हासिल किया। अब ये 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? प्रणव आनंद। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस आयोग ने बीएलओ ई पत्रिका का शुभारंभ किया है? ये किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बीएलओ ई पत्रिका का शुभारंभ किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के सभी राज्यों में फैले बीएलओ के साथ आयोजित एक संवाददात्मक सत्र में एक नए डिजिटल प्रकाशन बीएलओ ई पत्रिका का विमोचन किया। राजस्थान उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 50 बीएलओ ने इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया है। यानी कि राजस्थान उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 50 बीएलओ ने इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया है। तो किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। हाल ही में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली सेना पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। कौन सी बनी है? दिल्ली पुलिस बनी है, ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत किया है। तो ये ध्यान रखना, 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली जो है पुलिस बन चुकी है, दिल्ली पुलिस बनी है। हाल में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 17 सितंबर को। कब बनाया गया है? 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बनाया गया। हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बनाया गया। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने हेतु विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। कब बनाया गया ये? 17 सितंबर को। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में कौन वशिष्ठ अधिवक्ता फिर से भारत के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे? तो ये बनेंगे मुकुल रोहतगी। इन सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों ने बड़े हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू,
हाल में किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल है उसका नाम भी आपको बताना है, भी कौन से में कौन सा है जो बन रहा है। अब देखो यश डोज हमारी क्या थी, इसब गोल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मंडोर, जोधपुर में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखना बांसवाड़ा में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1988 में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दुर्गापुरा, जयपुर। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में। अच्छी तरह से पढ़ लेना रीट लेवल वन और सेकंड के लिए, बड़े ही शानदार क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख अनुसंधान केंद्र, और सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है, तो ये आज की जो नेक्स्ट डोज है पाँचों के पाँचों क्वेश्चन, जो अभी वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई महीने में, ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सिरोही, पाली और जालौर जिले राजस्थान के कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है आते हैं। और मृदा के नमी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? और ये पाँच क्वेश्चन ध्यान रखना, ये वीडियो मेंस के एग्जाम में आए हैं, बड़े ही शानदार, पांचों के जवाब आप अच्छी तरह से देना, और ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, और लगातार जो भी अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन डेली आपको रिवाइज करवाऊंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर अब आपको शाम को क्विज मिलती है, क्विज मिलने के बाद आपको PDF मिलती है। तो नाना क्लासेस टेलीग्राम पर आपको राजस्थान की क्विज मिलती है, और प्रताप क्लासेस पर आपको टेलीग्राम पर क्या है इंडिया की क्विज मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।